हेलो एवरीवन इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम यूनिट वन नीड ऑफ मॉडुलेशन इट कैन बी अ टू मार्क क्वेश्चन टेन मार्क क्वेश्चन एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम और ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम डेरिवेशन ऑफ ए एम मॉडुलेशन इन दिस केस हमारा मॉडुलेशन इंडेक्स भी पूछ सकता है उसकी जनरल इक्वेशन भी पूछ सकता है साइड बेंड्स अपर साइड बेंड या पावर कैलकुलेशन का फॉर्मूला कुछ भी हो सकता है डायरिवेशन के लिए तो so बेसिकली आपको ए एम बहुत अच्छे से आना चाहिए देन अब जो पावर कैलकुलेशन का फॉर्मूला आपका आ रहा है पी टी इज इक्वल टू पी सी वन प्लस एम स्क्वायर बाई टू उसका यूज़ करके आपके न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं मॉडुलेशन इंडेक्स गिवेन हो या फिर पी टी गिवेन हो पी सी गिवेन हो मॉडुलेशन इंडेक्स पूछ सकता है बैंडविड्थ पूछ सकता है तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं तो न्यूमेरिकल भी आप रेडी रखना और इफ़ पॉसिबल तो प्रीवियस ईयर के प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के आप पेपर देखें वहाँ के जो न्यूमारिकल हैं वो सॉल्व करें टू मार्क्स में क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डी एस बी एंड एस एस बी मीन्स की डबल साइड बैंड एंड एस एस बी या व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ एस एस बी ओवर डी एस बी ठीक है नाउ वी एस बी वी एस बी का एप्लीकेशन भी आ सकता है या उसके शॉर्ट नोट आ सकती है नेक्स्ट है आपका स्क्वायर लॉ मॉडुलेटर एनवेलप डिटेक्टर इनके डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं सेम वे सुपर हेट्रोडाइन ए एम रिसीवर का भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है उसका या तो ब्लॉक डायग्राम पूछ सकता है या सुपर हेट्रोडाइन का मीन्स क्या होता है टू मार्क्स में ये बन सकता है ब्लॉक डायग्राम आपका टेन मार्क्स में आएगा अब डीएसबीएससी के लिए आपका बैलेंस मॉडुलेटर का भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है समटाइम्स रिंग मॉडलेटर भी आता है फिर आपका एस एस बी के जनरेशन के लिए फिर शिफ्ट मैथड पूछ सकता है ठीक है तो दिस इज ऑल अबाउट यूनिट वन यूनिट टू आपका क्या है एंगल तो वहां पे आपको डेफिनेशन ए एफ एम पी एम की तो आप कर ही लेना उसके डेरिवेशन एक बार देख लेना एटलीस्ट इक्वेशन आपको पता होने चाहिए ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें क्या है डिफ्रेंस बिटवीन नैरो बैंड एफ एम एंड वाइड बैंड एफ एम ठीक है फिर उसके नुमेरिकल हम नुमैरिकल जो आ सकते हैं एफ एम के वो क्या 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 हो सकते हैं मॉडुलेशन इंडेक्स के लिए हो सकते हैं मीन्स की इक्वेशन गिवेन हो आपको मॉडलेशन इंडक्स फाइंड आउट करनी हो इक्वेशन गिवेन हो आपको बैंडविथ फाइंड आउट करनी हो आपको फ्रिक्वेंसी डेविएेशन फाइंड आउट करनी हो उसमें तो क्या है कारसेंस रूल कार्सेंस रूल बेसिकली यूज फॉर कैलकुलेटिंग द बैंडविट्स तो इसका कैलकुलेशन आप कर लेना अदरवाइज टू मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकता है नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज फॉस्टर सिलेट डिस्क्रिमिनेटर ठीक है इसका ब्लॉक डायग्राम बहुत अच्छे से आना चाहिए आर्मी स्ट्रॉन्ग मैथड ऑफ एफ एम जनरेशन फिर आपके कुछ टू मार्क्स के क्वेश्चन या आपके चार पांच टॉपिक्स एक साथ आ जाए टेन मार्क्स में उसमें आपकी इमेज फ्रीक्वेंसी क्या होती है पढ़नी है सेंसिटिविटी पढ़नी है सेलेक्टिविटी पढ़नी है एंड पी एल एल भी पढ़ना है पी एल एल बेसिकली यूज फॉर एफ एम डी मॉडुलेशन पी एल एल मीन्स फेज लॉक लूप ठीक है तो ये हो होगा इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सेकंड यूनिट अब थर्ड यूनिट थर्ड यूनिट में आपका है नॉइज नॉइज के क्वेश्चन आपके टू मार्क्स में भी आ सकते हैं टेन मार्क्स में भी आ सकते हैं सपोज डिफाइन नॉइज डिफाइन नॉइज टाइप ऑफ नॉइज सोर्स ऑफ नॉइज वाइट गॉजे नॉइज ठीक है तो आप जब टाइप ऑफ नॉइज पढ़ोगे तो हर नॉइज की कुछ तीन चार लाइनें याद रखना क्योंकि मान लो इन केस डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो आप लिख सको इंपॉर्टेंस ऑफ सिग्नल टू नॉइज रेशियो इन रेडियो रिसीवर दिस इज इंपॉर्टेंट एंड ये नॉइज फैक्टर एंड नॉइज फिगर दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड वन मोर इम्पॉर्टें टॉपिक इज प्री इफेसिस एंड डी इम्फेसिस ये मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन आता है शॉर्ट नोट ऑन प्री इम्फेसिस और डी इम्फेसिस या प्री इमफेस डिफाइन प्रीमफेसिस और डी इम्फेसिस तो दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिर आपका फिगर ऑफ मेरिट कैलकुलेशन इन एस एस बी अब आपका शॉर्ट नोट आ सकता है किस पे एफ एम थ्रोशोल्ड इफेक्ट पर ठीक है आते हैं यूनिट फोर यहाँ से आपका पल्स मॉडुलेशन शुरू होता है तो सबसे पहले आपको सैम्पलिंग थ्योरम तो पता होना चाहिए टू मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है सैम्पलिंग थ्योरम का या नॉइकस क्राइटीरिया क्या या इज द रेट क्या होता है या आपकी एफएम गिवन हो वो आपका सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी पूछ सकता है तो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं इन टू मार्क्स ठीक है नाउ क्वांटाइजेशन प्रोसेस क्वांटाइजेशन प्रोसेस ऑब्वियसली ये टेन मार्क के क्वेश्चन में फाइव पा फाइव मार्क्स का आ सकता है बिकॉज उसमें हम क्वांटाइजेशन कैसे होता है वो हम शो करेंगे दिखाएंगे विथ वेव फॉर्म कंपैंडिंग पूछ सकता है इसमें आपकी कंपेंडिंग में म्यू और ए कंपेंडिंग भी आ जाते हैं नाउ अब जो ब्लॉक डाइग्राम है वो पी ट्रांस सिस्टम मींस कि उसका ट्रांसमीटर रिसीवर चैनल सारा का इंक्लूड करके पी कम्युनिकेशन सिस्टम कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है तो अगर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपका क्वांटाइजेशन नॉइज पावर कैलकुलेशन इन पी का पी 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 सी डेल स्क् बाई ट्वेल्व ठीक है ये क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नॉइज पावर कैलकुलेशन इन पी स्क्वायर बाई ट्वेल्व या एस स्क्वायर बाई ट्व एस बेसिकली डेल इज द स्टेप साइज तो आप किससे रिप्रेजेंट करते हो उस पर डिपेंड करता है इफ यू आर रिप्रेजेंटिंग स्टेप साइज बाई एस तो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू एस स्क्वायर बाइ ट अगर आप डेल से रिप्रेजेंट करते हो डेल स्क्स कॉन्टाइजेशन प्रोसेस बढ़ रहे हो तो टाइप ऑफ कॉन्टाइजेशन भी आप देख लेना क्योंकि पूछ सकता है यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म कॉन्टाइजेशन क्या होते हैं वन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस एनआर से सिग्गनल टू नॉइज रेशियो कैलकुलेशन इन पल्स कोड मॉडुलेशन ये आपका डीबी में भी हो सकता है विदाउट डीबी भी हो सकता है तो डीबी में इसकी वैल्यू वन पॉइंट एट प्लस सिक्स एन हो सकती है इस पर आपके नुमेरिकल भी आ सकते हैं नुमैरिकल बेस ऑन पीसीएम सिग्नल टू नॉइज रेशियो बैंडविथ एंड सिग्नलिंग रेट ठीक नाउ डायरेक्ट क्वेश्चन ऑफ डेल्टा मॉडुलेशन डेल्टा मॉडुलेशन का ही एक क्वेश्चन आ सकता है कि वट इज द लिमिटेशन ऑफ डेल्टा मॉडूलेशन एंड हाउ टू रिमूव लिमिटेशन पढ़ रखी होंगी इसकी ग्रेनुअल और ओवरलोड मॉडुलेशन तो ये इसकी लिमिटेशन हो जाती है नाउ वट इज द डिफरेंस बिटवीन पीसीएम एंड डीपीसीएम ठीक है और फिर उसके बाद डिफरेंस बिटवीन एफ डी एम एंड टी डी एम दिस इज़ टू मार्क क्वेश्चन मोस्ट ऑफ़ द टाइम आता है नाउ डायरेक्ट क्वेश्चन किसका बनता है पी एम टी डी एम सिस्टम और पी सी एम टी डी एम सिस्टम ऑफ टी वन कैरियर सिस्टम नाउ अगर हम यूनिट फाइव की बात करें तो आपके यूनिट फाइव में में बहुत सारी चीज़ें डिटेल्स में नहीं लिखी हैं क्योंकि आपको सेम यूनिट पढ़नी है इन सिक्स सेमेस्टर ठीक है डिजिटल कम्युनिकेशन में तो वहाँ आपको बहुत डिटेल पढ़ना है तो यहाँ पर आपका जस्ट लिखा हुआ है ए एस के पी एस के एफ एस के तो आपने बहुत डिटेल में नहीं जाना जैसे इसका प्रोबेटी ऑफ एरर वगैरह नहीं कैलकुलेट करना है बट स्टिल आपको इनके मॉडुलेटर डी इनकी वे फॉर्म्स आनी चाहिए ठीक है अब पी के जो हमारे होते हैं बहुत टाइप के होते हैं फॉर एग्जाम्पल एम एर के क्यू के तो मैं कहूँगी एक बार आप अपना पेपर उठा के देखेंगे किस टाइप का क्वेश्चन है बट जनरली जो आपका सिलेबस है कि आपने फिर से ये पढ़ना है तो सिंपल क्वेश्चन ही आएंगे फॉर एग्जाम्पल क्यू पी के आ सकता है पी एस के कब ब्लॉक डायग्राम नहीं आ सकता आपका एफ एस के कब ब्लॉक डायग्राम आ सकता है डीपीएस के का आ सकता है डीपीएस के में आपके एक सीक्वेंस दे दे और उसका बोल दे कि उसका कोड शो कर दो मीन्स कि हमने जब ट्रांसमिट किया एंड रिसीव किया तो सेम आती है वैल्यू तो ये डिपेंड करता है कि आ सकता है भी मैंशन नहीं है डीपीएस के तो ये आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है ठीक है सेम वे क्यूपीएस के भी सेम है तो बट एटलीस्ट आपको क्यूपीएस के डीपीएस के इनके वेव फॉर्म्स इनके ब्लॉक डायग्राम्स मीन्स के मोडुलेटर डी मॉडलेटर आपको अच्छे से आने चाहिए ठीक है ना और बेस्ट तरीका है कि अगर कन्फ्यूज़न है तो आप ए एस के पी एस के एफ एस के क्यू पी एस के डी पी एस के सब के कंपेरिजन पढ़ लें इनकेस अगर किसी का आता है तो आप वहाँ से इजिली लिख सकते हो अब टू मार्क्स के जो क्वेश्चन बनते हैं वट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉन कॉरन एंड कॉरन ये कई बार पूछा जाता है एंड वट इज द डिफरेंस बिटवीन पासबेंट ट्रांसमिशन एंड बेसबेंट ट्रांसमिशन बता ही दिया यही बता दिया नाउ अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक इस क्वाडिचर एम्पलेट्यूड मॉडलेशन यम को भी पूछा गया था तो आपको भी आ सकता है डायरेक्ट इसका ब्लॉक डायग्राम आ सकता है ये आपका मिनिमम शिफ्ट किंग इंपॉर्टेंट है इस क्योंकि ये आपके सिलेबस में क्लियरली मैंशन है एमएस के ठीक है तो एम एस के जब क्लियरली मैंशन है तो ये आपका आ सकता है इसका ब्लॉक डायग्राम आ सकता है मीन्स की ट्रांसमीटर एंड का भी रिसीवर एंड का भी और इवन एक बाइनरी सीक्वेंस गिवन हो और उसकी वेवफॉर्म भी आ सकती है इस केस में ठीक ना अब टू मार्क्स में एक क्वेश्चन बन सकता है कि सिग्नल स्पेस डायग्राम क्या होता है मीन्स की वट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉन्सलेशन डायग्राम और सिग्नल स्पेस डायग्राम तो मेरा सजेशन है कि जब भी आप ए ए एस के पी एस के एफ एस के डी पी एस के कुछ भी पढ़ो तो उनका कॉन्सलेशन डायग्राम एटलीस्ट देख लो कि वो कैसे बनते हैं क्योंकि वो बहुत ईजी है ईजिली आप कर सकते हो थैंक यू सो मच स्टिल यू हैव एनी डाउट प्लीज राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन